अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे माशाल्लाह। एक तो आपको सबको जो के पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, उनको मेरी तरफ से यौमे आज़ादी मुबारक, ठीक है, कल एडवांस में, ठीक है जी। हमारा बेसिकली टॉपिक आज एक जनरल टॉपिक है। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर एक ब्रीफ सा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, कंप्यूटर किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, और इसके अलावा हमने ये डेप्थ में देखा था कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आज हम कंप्यूटर के एक कंपोनेंट्स की टाइप को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये एक लेंथी टॉपिक है और इंशाल्लाह इसको हम कवर करते जाएंगे जिस तरह हमें टाइम मिलता जाएगा, क्योंकि साथ में हमने क्लासेस जो हैं उनके टॉपिक्स को भी देखना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल जो है नाइन्थ का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपके क्यूरीज क्वेश्चंस मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा उनका, अगर कोई होते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको पसंद आता है जिस पर वीडियो बननी चाहिए तो आप वो ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूँ, ठीक है जी। टॉपिक है हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के व्यूअर्स जो फिजिकल होते हैं, टेंजेबल होते हैं, टचेबल होते हैं, ठीक है जी। मतलब ये वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो आपके कंप्यूटर को बेसिकली कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो तो एक लॉजिकल पार्ट है आपके कंप्यूटर का, जो कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का सेट है, लेकिन जो हार्डवेयर है ये फिजिकल पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के, जो इनके ज़रिए से आप कंप्यूटर से इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग करते हैं। बहरहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक मिल सकें, इसकी मुझे अशद ज़रूरत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। नहीं जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। कंप्यूटर हार्डवेयर, मैंने इसकी पहले भी डेफिनेशन पिछले पार्ट में कह दी थी कि वो कंप्यूटर के पार्ट्स जो कि एक तो फिज़िकल होते हैं, ठीक है, और दूसरा जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो टेंजेबल होते हैं, टचेबल होते हैं, ठीक है जी, महसूस हो सकते हैं। इनमें वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी जो फिजिकल हैं और जिन्हें हम डिफरेंट कंप्यूटर के वर्क के लिए यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत सी हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा, ठीक है जी। अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उन्हें मेनली जिन कैटेगरीज में तोड़ा जाता है वो उनकी वर्किंग की बेस के ऊपर ये हैं: इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इन्हें हम आज जरा डेप्थ में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आपकी इनपुट यूनिट, या जिसे हम इनपुट डिवाइसेस भी कह सकते हैं, इनमें वो तमाम डिवाइसेस होंगी जो कि इस काबिल होंगी कि वो आपके यूजर से डाटा लेंगी डिफरेंट फॉर्म्स में, फिर उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी जो कंप्यूटर को समझ आती हो, और फिर कंप्यूटर के सीपीयू को या प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोवाइड कर देंगी। बेसिकली इनका असल मकसद ये होता है कि यूज़र से कंप्यूटर में डाटा एंटर करवाना उस फॉर्म में जो कंप्यूटर समझ सकता हो, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो डाटा डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपके सिस्टम में दाखिल होता है वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे ABC या कोई भी नंबर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। वो पॉइंटिंग डाटा भी हो सकता है, जैसे कि माउस की जो मूवमेंट होती है उसे हम बेसिकली पॉइंटिंग डाटा कहते हैं, वो भी आपका होता है। फिर इमेज डाटा भी हो सकता है जो कि बेसिकली कैमरे के थ्रू आप या स्कैनर के थ्रू फीड कराते हैं। साउंड डाटा भी हो सकता है जिसे आप माइक्रोफोन से एंटर करवाते हैं, और वीडियो डाटा भी हो सकता है जिसे आप ज़्यादातर पर डिजिटल कैमरे से फीड कराते हैं, ठीक है जी। तो इनपुट डिवाइसेस का जो मेन पर्पज़ हमने समझ में आया है वो ये है कि ये कंप्यूटर के लिए आपसे डाटा लेंगे जिस फॉर्म में भी आप इन्हें देंगे, और फिर ये उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। फिर इनपुट डिवाइसेस को भी हम फर्दर उनकी टाइप ऑफ डाटा जो कि वो एंटर करते हैं उसकी बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं, टेक्सचुअल इनपुट डिवाइसेस या कीइंग इनपुट डिवाइसेस। इसको हम डेप्थ में जब इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर कीज़ बनी होती हैं, और इससे हम अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक,
अल्फा न्यूमेरिक सारा किस्म का डाटा कंप्यूटर में फीड कराते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें पॉइंटिंग डाटा फीड कराते हैं, मीन्स कर्सर बेस्ड डाटा, जैसे कि माउस एस की एग्जांपल, टच पैड और टच बॉल, ये सारी इसकी एग्जांपल है। जॉयस्टिक। स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली आपकी इमेज को फीड कराती हैं, इसमें ज़्यादातर स्कैनर आता है और कैमरा आता है। और वॉइस इनपुट डिवाइसेस आपकी वो होती हैं जिनसे आप अपनी साउंड को फीड करते हैं। इसमें एक इनपुट डिवाइसेस स्किप हुई हुई है, वो बेसिकली वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं, और हम कह सकते हैं कि उसमें कैमरा बेसिकली फीड होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं उसको इसमें स्किप कर रहा हूँ लो लेवल के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज आपके पास बहुत सी हैं, स्टूडेंट्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। मैं कोशिश करूँगा कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो इसमें मैं इनकी आपको लिंक्स शेयर कर दूँगा, ठीक है? आप वहाँ पे डेप्थ में जाके इसको स्टडी कर सकते हैं प्रियर टू द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। जो आपका दूसरा हार्डवेयर का कैटेगरी थी वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट से मुराद वो डिवाइसेस या वो यूनिट है जो इस काबिल होगा कि एक तो आपका जो इनपुट पे आया हुआ डाटा उसको प्रोसेस कर दे एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, और दूसरा इसमें वो डिवाइसेस या वो पार्ट होगा जो कि इस काबिल होगा कि वो आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, उन्हें कंट्रोल कर सके, उन्हें मैनेज कर सके। क्योंकि कंप्यूटर की जो एक्सेसरीज होती हैं वो अगर खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएं तो वो कभी भी दूसरी एक्सेसरीज को टाइम, प्रोसेसर का या मेमोरी का नहीं देने देंगी। इसीलिए सिस्टम यूनिट का असल जो मकसद है वो ये है कि कंट्रोल करना कंप्यूटर को, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को, ताकि वो उसको चलने दें, ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से। सिस्टम यूनिट में वो तमाम डिवाइसेस होती हैं जो आपके प्रोवाइडेड इनपुट को स्टोर करती हैं, इनपुट को, इंस्ट्रक्शंस को और आउटपुट को, मतलब मेमोरी से मुराद भी से हम कह सकते हैं। तो सिस्टम में बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, लेकिन हम इन्हें दो पार्ट्स में मेजर में डिवाइड करते हैं। एक वो जो प्रोसेसिंग करे आपके गिवन डाटा पे, और दूसरा कंट्रोल करे पूरे कंप्यूटर को। सिस्टम यूनिट को फिर फर्दर हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सिस्टम बस या बस, सिस्टम पोर्ट या पोर्ट। प्रोसेसिंग यूनिट से मुराद हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जो कि गिवन डाटा के ऊपर काम करेगा और उसको प्रोसेस करेगा एज पर प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट से मुराद वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जो कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा। सिस्टम बस से मुराद बेसिकली वो डेडिकेटेड पार्ट्स होते हैं विद इन द कंप्यूटर इंटरनली जो कंट्रोल सिग्नल्स, डेटा सिग्नल्स और उसके अलावा आपके मेमोरी एड्रेस के सिग्नल्स को एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर से दूसरे पार्ट ऑफ कंप्यूटर तक डिलीवर करते हैं। ये लाइंस होती हैं, ठीक है ना, जिन पे बिट्स ट्रैवल करती हैं। सिस्टम पोर्ट जो है ये बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइसेस को, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर की डिवाइस हो, उसे कंप्यूटर के साथ या आपके कह लें सीपीयू के साथ फीड करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए यूज़ होता है। या आपके जो यूएसबी है ये भी सिस्टम पोर्ट की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। ये जब हम सिस्टम यूनिट की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर की एक और कैटेगरी है वो है मेमोरी डिवाइसेस। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया सिस्टम यूनिट में भी इसे आप फीड कर सकते हैं, ये भी सिस्टम यूनिट का एक तरह का पार्ट ही है, लेकिन बहरहाल अगर आप इसको सिस्टम यूनिट के अलावा भी स्केच करें तो कोई इशू नहीं है। मेमोरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आपका इनपुट किया हुआ डाटा स्टोर होता है, आपके प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं और आउटपुट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पहले जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ मैं आपको गाइड करूँगा कि पहले जो कंप्यूटर थे उसमें मेमोरी सेम नहीं होती थी, मतलब आपके डाटा के लिए और आपके प्रोग्राम के लिए मेमोरी अलग-अलग होती थी। बट फिर एक साइंटिस्ट था वॉन न्यूमैन, उसने एक टेक्नोलॉजी दी स्टोर्ड प्रोग्राम टेक्निक के नाम से, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, इसको आप स्टडी करें। इसमें उसने ये आइडिया दिया कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जो कि प्रोग्राम और डाटा को एट साइमल्टेनियसली अपने स्टोर करे और
खुद डिस्टिंग्विश कर सके कि ये डाटा है और ये प्रोग्राम है, जिसकी वजह से कैलकुलेटर और कंप्यूटर में एक वाज़ह फ़र्क आ गया था। क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपका सेम मेमोरी यूज़ नहीं करता, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी है, डाटा के लिए अलग मेमोरी है, थोड़ी बहुत उसमें कैपेसिटी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेटर्स में तो वो भी नहीं है, ठीक है जी। जो आपके सिंपल कैलकुलेटर हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है, लेकिन जो आपके एडवांस कैलकुलेटर हैं उनमें जो मेमोरी है वो डाटा के लिए जो थोड़ा बहुत है वो अलग है, पार्ट सेल्स यूज होते हैं उसमें, और जो प्रोग्राम है उसका जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस या सारे बटन्स की फंक्शनिंग है वो अलग है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर आप अपने सॉफ्टवेयर भी स्टोर कर रहे होते हैं और उसी के ऊपर आप उन सॉफ्टवेयर की डाटा फाइल्स भी स्टोर कर रहे होते हैं, जो इस चीज़ का प्रूफ है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी दोनों चीज़ों को अपने ऊपर बैक वक्त स्टोर करती है और इस काबिल है कि वो इसके अंदर दरमियान में फ़र्क कर सके। तो मेमोरी डिवाइसेस ना सिर्फ आपके इनपुट डेटा बल्कि आउटपुट की इंफॉर्मेशन को भी अपने पास स्टोर करती है फ्यूचर पर्पजेज़ के लिए, और प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करती है। इसमें बेसिकली लोकेशंस होती हैं, जैसे आप एक कलोनी में घर होते हैं ना, उस तरह आपकी मेमोरी के अंदर भी घर बने होते हैं, लोकेशंस बनी होती हैं जिनके ऊपर आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स बाइट्स एक्सेट्रा स्टोर होता है। आजकल जो आप ये वर्ड सुनते हैं GB TB MB, ये क्या है, ये बेसिकली बाइट्स के यूनिट्स हैं, ठीक है। वो जब हम मेमोरी यूनिट्स एक जो है वो मैंने आपको लेक्चर दिया था 9th क्लास के अंदर, वो अवेलेबल है, मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, आप उसमें देखिएगा कि मेमोरी के यूनिट्स मैंने उसमें सारे एक्सप्लोर कराए हुए हैं कि बिट से हम पीटा बाइट तक कैसे गए हैं, ठीक है, कि एक बिट क्या होती है, फिर एक आपकी बाइट क्या होती है, फिर आपका किलो बाइट क्या होता है, मेगा बाइट क्या होता है, गीगा बाइट क्या होता है, टेरा बाइट क्या होता है, पीटा बाइट क्या होता है, तो आप देख लें। वरना बहरहाल जब हम मेमोरी डिवाइसेस को दोबारा एक जनरल वे में भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं ये गाइड कर दूंगा। तो बेसिकली मेमोरी डिवाइसेस में लोकेशंस होती हैं जो कि आपकी डाटा को इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स स्टोर करती हैं। बिट आपका बेसिक यूनिट है मेमोरी का, जो कि एक वन या जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाइट आपकी 8 बिट्स का कलेक्शन होता है कंसेक्यूटिव में, मतलब मैं 8-1 लिख दूँ, या मैं 4-1-4-0 लिख दूँ, या मैं 3-1-5-0 लिख दूँ, या मैं 5-1-3-0 लिख दूँ, मतलब 8 बिट्स कोई भी 1 और 0 का कम्बिनेशन वो कंजेक्टिव में 8 लोकेशंस मेरी एक बाइट कहलाएंगी, ठीक है जी। ये इसके लिए आप वो डिटेल में लेक्चर देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मेमोरी डिवाइसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उसमें कैशे मेमोरी सबसे अव्वल है, जो सबसे तेज मेमोरी है और सबसे कम स्पेस में आप इसको यूज कर पाते हैं क्योंकि महंगी बहुत है। उसके बाद आपकी प्राइमरी मेमोरी है जो थोड़ी सस्ती है एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी, थोड़ी कम फास्ट है एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी, और ये कैपेसिटी में भी थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है बेसिकली आपकी प्रोसेसर के साथ इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये ज़्यादा तौर पे जब आप ख़रीदते हैं अपना प्रोसेसर तो उसके साथ ही होती है, ठीक है, इसको अलहदा से ही लेना पड़ता है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है ये आपको अलहदा से ख़रीदनी पड़ती है। इसकी सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल रैम है, जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है चिप, ठीक है। आप में से कई जो बच्चे या व्यूअर्स बनवाते होंगे सिस्टम, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज होगा। सेकेंडरी मेमोरी, ये भी मैंने एक टॉपिक जो है ये डिस्कस किया हुआ सारा, वो भी मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, उसी टॉपिक के अंदर ये अवेलेबल है कि इन सब में क्या मतलब डिफरेंस है, और सारा इसको एक्सप्लोर कराया हुआ है मैंने, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि जब मैं जनरल वे में मेमोरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो, सबसे सस्ती एज कम्पेयर टू अबव टू मेमोरीज, और सबसे कम मतलब तेज या स्लोएस्ट टाइम में सबसे, और यही बेसिकली वो आपकी मेमोरी है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। आपकी हार्ड डिस्क इसकी सबसे फाइन एग्जांपल है, ठीक है जी। लास्ट एंड द लीस्ट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स जो या व्यूअर्स जो कि बेसिकली आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को या तो सेंड करती हैं या रिसीव करती हैं, ठीक है जी। और इसके लिए वो किसी कम्युनिकेशन मीडिया को या किसी कम्युनिकेशन चैनल को या किसी कम्युनिकेशन पाथ को मैं कह सकता हूँ यूज़ करती हैं, जिसके ऊपर आपका डाटा ट्रैवल करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। और कम्युनिकेशन मीडिया की बेस के ऊपर डाटा
हम कह सकते हैं कि या तो वो डिजिटल फॉर्म में मूव करेगा या वो एनालॉग फॉर्म में मूव करेगा। आपके जो शुरुआत के कंप्यूटर्स थे उनमें जब इंटरनेट की फैसिलिटी मिली थी तो आई थिंक आप लोगों ने तो यूज़ नहीं शायद किया हो, ये कुछ व्यूअर्स ने किया होगा, जो कि आप अपनी ये जो फ़ोन लाइन होती है वो पहले आप अपने एक पोर्ट होती थी आती होती थी कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, वो वहाँ पे आप फीड कर देते थे तो आपको डायलिंग कार्ड यूज़ करने पड़ते थे और आपका इंटरनेट आता था। वो तब बेसिकली एनालॉग कम्युनिकेशन होती थी कि आपके फ़ोन केबल के ऊपर डाटा एनालॉग फॉर्म में मूव करता था बाहर, ठीक है जी। पहले डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता था, फिर रिसीवर एंड पे दोबारा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता था और वो स्लो था, ठीक है। लेकिन आजकल जो आपके ये DSL और ये वायरलेस जो आपके सारे इंटरनेट्स हैं ये बेसिकली डिजिटल डेटा को ट्रैवल करते हैं, इसीलिए फास्ट हैं। एनालॉग सिग्नल की इसकी फाइन एग्जांपल ये है, मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल बेसिकली ऐसा सिग्नल होता है जो कॉन्टीन्यूटी में होता है, ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूस वेव होती है। मैं अगर आपको इसको यहाँ पे स्केच करके दूँ तो ये कुछ इस तरह की होगी, मतलब लाइक दिस वे, ये आपकी बेसिकली एनालॉग वेव है, ठीक है जी। और जो डिजिटल वेव होती है वो बेसिकली या तो 1 होगी या 0 होगी, ऐसे मतलब पल्स होगी बेसिकली, ये 1 है जैसे कि, और ये इतने टाइम फ्रेम के लिए ये 0 है, इस तरह मतलब ये आपकी बेसिकली एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क है। एनालॉग जो कॉन्टीन्यूटी में है ना, देखें हर टाइम के अगर हम एक्सपेक्ट से देखें तो आपकी जो बेसिकली एनालॉग वेव है वो चेंज हो रही है हर सेकंड के ऊपर। उसके फर्ज कर लें यहाँ पे 1-0 है, यहाँ पे 0.2 है अगले सेकंड, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.35 है या जो भी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है डिजिटल में कि इस पूरे टाइम फ्रेम में इसकी वैल्यू 1 है, इस पूरे टाइम फ्रेम में इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस होती हैं डिजिटल वेव जो कि एक फिक्स वैल्यू रखती हैं एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए, या तो 1 या 0, और एनालॉग सिग्नल जो वो इलेक्ट्रॉनिक वेव है जो कि कॉन्टीन्यूटी में होती है जिसकी वैल्यू हर भरते हुए सेकंड के अंदर या तो कम हो रही होती है कुछ यूनिट्स या भर रही होती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उनके फिर हम आगे जो डिवीजन करते हैं, एक तो वो कम्युनिकेशन मीडिया की बेस पे करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन मीडिया आपका फर्दर डिवाइड होता है ज़्यादातौर पे दो कैटेगरीज में, गाइडेड मीडिया जिसे हम बाउंडेड या वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया भी कह सकते हैं, जो वायर्स आपकी हैं। फिर इसमें आगे हम डिटेल में जब ये पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं, आपकी कोएक्सियल केबल्स होती हैं, ठीक है। और अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड या वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया तो आपके सामने है, DSL पे ये आपका जो ये ब्लूटूथ है, आपका इंफ्रारेड है, फिर आपका ZigBee है, ये सारे बेसिकली आपके अनगाइडेड अनबाउंडेड या वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस की काफ़ी हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादातौर पर यूज़ होने वाली हैं वो डायल अप मॉडम्स हैं जो पहले यूज़ होते थे, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं। ISDN और DSL मॉडम्स अभी भी चल रहे हैं आपके, PTCL इसी को यूज़ करता है, वायरलेस मॉडम्स भी है PTCL आपको अवेलेबल करता है जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को अपने घर में भी आप डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस पे शेयर कर सकते हैं। NIC और नेटवर्क कार्ड जो है बेसिकली वो मशीनरी होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क को अवेलेबल कराती है, मतलब इसके थ्रू आपका डाटा कंप्यूटर से बाहर जाता है और इसी के थ्रू डाटा इनसाइड एंटर होता है, ठीक है। ये बेसिकली वो पोर्ट है जिसमें आप अपनी नेटवर्क केबल को एंटर कराते हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में व्यूअर्स बताऊँ तो। राउटर भी आपकी एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन डिवाइस की, ये बेसिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने में यूज़ होती है, जो ज़्यादातौर पर नेटवर्किंग पढ़ रहे हों उनको इस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो बहरहाल ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, अब एक सिंपल सा फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप सो ये काफ़ी को तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा ये डिस्कस करता हूँ ताकि तमाम व्यूअर्स जिनको नहीं भी पता उनको पता चल जाए। हमारे पास कंप्यूटर जो है सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट जो है ये काबिल होता है कि ये यूज़र से डिफरेंट किस्म का डाटा लेता है, उसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझ सके, और सिस्टम यूनिट को प्रोवाइड करता है थ्रू बेसिकली मेमोरी,
ठीक है जी, सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा तौर पे, सेकेंडरी मेमोरी से फिर डाटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है और फिर कैशे मेमोरी में जाके सिस्टम के बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट को शेयर किया जाता है जो कि इसको प्रोसेस करता है। कंट्रोल यूनिट सिस्टम यूनिट में यूज होता है टू कंट्रोल ऑल ऑफ योर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। और फिर उसके बाद सिस्टम यूनिट अपने प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस डाटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आउटपुट यूनिट को जब उसकी डिमांड आती है, या उस इंफॉर्मेशन को दोबारा प्रोवाइड कर दिया जाता है मेमोरी यूनिट को ताकि वो इसको सेव कर सके। तो ये एक छोटा सा हमारा लेक्चर था, आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स और रिव्यू ज़रूर देंगे। आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स और रिव्यू इसलिए भी दें ताकि अगर कोई इसमें चीज़ स्किप हो गई है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश कर दें। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आई होप सो आपको आज की सारी ये जो वीडियो है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। फिर भी अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि फ्यूचर में आपको वो हम नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश कर दें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि जो लोग इसको नहीं देख पा रहे उनको ये दिख सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। उम्मीद से आपको चीज़ की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।